बसमिल्लाहमान इब्राहिम असला क्लास नाइन्स उम्मीद आप सब फैरियस से होंगे आज हम लोग नाइन्थ क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर थ्री को सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री की स्टेटमेंट है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच इफ इट एग्जिस्ट ये हमारे पास कुछ मैट्रिक दिए गए हैं इनका हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है अगर वो एग्जिस्ट करे तो तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की जानिब चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है ये जो a के ऊपर माइनस वन लगाते तो ये साइन शो करता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स अगर आपके पास मैट्रिक्स b है तो b माइनस वन यानी कि ये जो साइन है वो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को शो करता है तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के लिए यानी अगर ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो एक तो हमारे पास होना चाहिए ऑफ ए उस ऑफ ए को डिवाइड करना हम लोगों ने ए के डिटर्मिनेंट पर तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट तो करते हैं तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ए के स्ट्रेट बार आ जाएगी इज इक्वल टू माइनस वन थ्री टू जीरो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो के साथ और टू को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री के साथ माइनस वन मल्टीप्लाई बाय जीरो नेगेटिव साइन आएगा मिड में और टू मल्टीप्लाई बाय थ्री हो जाएगा जब जीरो को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा ये वाला नेगेटिव साइन और टू को जब थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स यानी कि जो का आई टर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या आ गया है सिक्स आ गया माइनस सिक्स ओके okay, हो गया अब हम लोगों ने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया अब क्या करेंगे ऑफ़ ए फाइंड आउट करेंगे क्योंकि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के लिए हमें दो चीजें चाहिए एक तो डिटर्मिनेंट और दूसरा अर्जाइंट डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया है अब हम लोग ए फाइंड आउट करते हैं तो अर्जाइट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करते हैं अर्जाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कैसे फाइंड आउट करेंगे ये जो दो वैल्यूज दी गई हैं इनकी प्लेस चेंज करेंगे यानी जीरो ऊपर जाएगा और माइनस वन नीचे आ जाएगा और ये जो दो वैल्यूज दी गई हैं इनके साथ साइन चेंज कर देंगे किसी भी मैट्रिक्स का जब अर्जाइट और फाइंड आउटाइंट फाइंड आउट करना होता है तो इन वैल्यूज की प्लेस चेंज करते होते हैं ये बात हमेशा जहन में रखें कि इन पॉइंट जो वैल्यूज होती हैं इन वैल्यूज की प्लेस चेंज करते हैं यानी जीरो ऊपर माइनस वन और ये जो दो वैल्यूज दी गई होती है इनके साथ साइन चेंज करते हैं यानी ये पॉजिटिव थ्री है जब तो जब अर्जाइंट फाइंड आउट करेंगे तो नेगेटिव थ्री हो जाएगा पॉजिटिव टू है तो जब अर्जाइंट फाइंड आउट करेंगे तो नेगेटिव टू हो जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा अर्जाइंट ऑफ ए अब क्या करेंगे एक का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए अर्जाइट ऑफ ए की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे और डिटर्मिनेट ऑफ ए की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे यानी कि इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू अर्जाइंट ऑफ ए की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करें क्या है जीरो माइनस टू माइनस सी माइनस वन उसको डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है माइनस सिक्स तो कैसे लिखेंगे जीरो को डिवाइड करेंगे माइनस सिक्स के ऊपर माइनस थ्री को डिवाइड कर देंगे माइनस सिक्स पे माइनस टू को डिवाइड करेंगे माइनस सिक्स पे और लास्ट है माइनस वन डिवाइड करेंगे माइनस सिक्स पर जब जीरो को सिक्स पे डिवाइड करेंगे तो आंसर जीरो आते हैं अब ये नेगेटिव कैंसल आउट हो जाएंगे थ्री वन सा थ्री और थ्री टू जिक्स तो यहां पर क्या आ जाएगा वन बाय टू ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे टू वन सा टू और टू थ्री झा सिक्स तो यहाँ पे आंसर आ ये आ जाएगा उसके बाद ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे तो वन बाय सिक्स तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यानी कि जो हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है जो हम लोगों ने ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट किया है वो क्या आ जाएगा जीरो वन डिवाइडेड बाय थ्री वन डिवाइडेड बाय टू और वन बाय सिक्स ये हमारे पास इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ जाएगा पार्ट टू में हम लोगों ने बी का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे बी का डिटर्मिनेंट लेंगे वन माइनस थ्री टू माइनस फाइव डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं यानी कि वन को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फाइव के साथ एडिशन का साइन और फिर माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे टू के साथ फाइव को वन से मल्टीप्लाई किया तो फाइव माइनस माइनस प्लस थ्री को टू से मल्टीप्लाई किया तो सिक्स सिक्स में से फाइव माइनस करेंगे तो वन यानी कि जो हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट आया वो क्या आ गया वन अब क्या करेंगे अर्जाइंट ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे तो अर्जाइंट ऑफ बी कैसे फाइंड आउट करेंगे इन दोनों वैल्यूज की प्लेस चेंज करेंगे माइनस फाइव ऊपर चला जाएगा और वन नीचे आ जाएगा और इन वैल्यूज का साइन चेंज करेंगे ये पॉजिटिव टू है तो यहाँ पर नेगेटिव टू और ये नेगेटिव थ्री है तो यहाँ पर पॉजिटिव थ्री ये हमारे पास आ जाएगा अर्जाइंट ऑफ बी तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के लिए कैसे लिखेंगे यानी बी का जब हम लोग मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लेंगे तो वो क्या होता है अर्जाइट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट तो अर्जाइट ऑफ बी की इसकी वैल्यू पुट करें क्या माइनस फाइव माइनस टू थ्री और वन इसको डिवाइड करेंगे बी के डिटर्मिनेंट पर तो बी का डिटर्मिनेंट क्या है वन यानी कि जब बी का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लेंगे तो क्या होगा माइनस फाइव को डिवाइड करेंगे वन पर माइनस टू को डिवाइड करेंगे वन पर उसके बाद थ्री को डिवाइड करेंगे वन पे और लास्ट पे वन डिवाइडेड बाय वन तो बी का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा आपके पास किसी भी जब डिवीजन के नीचे वन आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती ठीक है तो वो एज इट आ जाएंगे माइनस फाइव माइनस टू थ्री और वन अगर ये वन ऊपर आता तो इसकी वैल्यू नहीं थी अगर कि ये नीचे आ गया यानी कि किसी भी डिवीजन में ये नीचे आ गया किसी भी वैल्यू के तो ये इसकी कोई वैल्यू नहीं होती तो वही वैल्यूज एज इट वापस आ जाएंगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बी का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ जाएगा अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट में सी का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है सबसे पहले सी का डिटर्मिनेंट लेंगे माइनस टू थ्री सिक्स माइनस नाइन क्रोस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यानी कि जो थ्री का डिटर्मिनेंट लेंगे वो क्या होगा माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस नाइन मिड में साइन नेगेटिव और थ्री मल्टीप्लाई बाय सिक्स तो माइनस माइनस प्लस टू को नाइन से मल्टीप्लाई करें एटीन आ जाएगा और ये वाला माइनस और सिक्स को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो एटीन आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा जीरो यानी कि जो सी का डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या आएगा जीरो आ जाएगा और अगर हम लोग अपने क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में क्या था कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है इफ इट एग्जिस्ट तो एग्जिस्ट मल्टी किसी भी जो मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आए और जो हम लोगों ने इसका थर्ड पार्ट है सी इसका जो डिटर्मिनेंट है वो तो जीरो आ गया यानी कि ये एग्जिस्ट नहीं करता तो सी का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है वो डज नॉट डज नॉट एग्जिस्ट ओके हो गया अब हम लोग इसका फोर पार्ट सोल्व करते हैं तो फोर पार्ट में सबसे पहले क्या करेंगे इनवर्स फाइंड आउट करना है तो डी इनवर्स इज इक्वल टू अर्जाइंट ऑफ ए अर्जाइंट ऑफ डी एंड डी का डिटर्मिनेंट होता है तो क्या करेंगे सबसे पहले डी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे वन ओवर टू थ्री ओवर फोर वन ओवर टू तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे यानी कि वन बाय टू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टू के साथ ओके हो गया दरम्यान में साइन कौन सा आएगा नेगेटिव साइन आएगा और वन को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री बाय फोर के साथ तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या आ जाएगा यहां पर वन आ जाएगा साइन नेगेटिव और फिर फोर को जवान से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा फोर ही आएगा यानी थ्री बाय फोर अब हम लोग इसे सोल्व करेंगे और जिसके नीचे कुछ है ना हो यहाँ पर वन होता है ओके हो गया जब वन इसका एल्शियम लेंगे तो एल्शियम क्या आएगा फोर और इस एल्शियम को क्या करते हैं पहले इस पे डिवाइड करते हैं नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड करते हैं यानी फोर को डिवाइड करेंगे किस पे वन पे ओके हो गया और जो आंस आता है उसको हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जब फोर को वन पे डिवाइड करेंगे तो आंस क्या आ जाएगा फोर ही आ जाएगा और जब फोर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर नेगेटिव साइन आ जाएगा अब क्या करेंगे इस फोर को फिर डिवाइड करेंगे इस वाले फोर के साथ ठीक है नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं और ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम में तो जब फोर को फोर पे डिवाइड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा वन अब वन को इस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री आ जाएगा अब फोर में से थ्री माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा वन और नीचे क्या आ जाएगा फोर ये हमारे पास आ जाएगा डी का डिटर्मिनेंट अब हम लोगों ने डी uh, जॉइंट ऑफ डी फाइंड आउट करना है अजाइंट ऑफ डी कैसे फाइंड आउट करेंगे ये जो दी गई है ना वैल्यूज इनकी प्लेस चेंज करेंगे यानी वन बाई टू नीचे आ जाएगा और टू ऊपर चला जाएगा टू इधर आ जाएगा और वन बाय टू यहां आ जाएगा और इन वैल्यूज की साइन चेंज करेगी यहां पर पॉजिटिव थ्री बाई टू है तो नीचे नेगेटिव थ्री बाय टू हो जाएगा पॉजिटिव वन है तो नेगेटिव वन यहाँ पर नेगेटिव थ्री बाई टू थ्री बाय फोर हो जाएगा और ये पॉजिटिव का टू है जब नीचे इसका डिटर्मिनेट फाइंड आउट एडजाइंट फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव वन हो जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा अर्जाइंट ऑफ डी अब डी का इनवर्स फाइंड आउट करना कैसे होता है एडजाइंट ऑफ डी लिखते हैं उसको डिवाइड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ डी पर एडजाइट ऑफ डी हमारा क्या है एडजाइंट ऑफ डी आया टू माइनस थ्री बाय फोर माइनस वन वन बाय टू और इसका डिटर्मिनेंट क्या आया हमारे पास डी का डिटर्मिनेंट आया हमारे पास वन बाय फोर तो इसकी जगह पे पुट कर दें डी के डिटर्मिनेंट की जगह पे क्या पुट करेंगे वन बाय फोर अब क्या करेंगे ये टू लिखेंगे और ये क्या हमारे पास है डिवाइड का साइन है तो इस डिवाइड के साइन को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको किस पे डिवाइड करना है वन बाय फोर पे इसी तरह माइनस थ्री बाय फोर लिखेंगे और इस साइन को हम लोग इस तरह लिख देंगे डिवाइड किस पे करना है वन बाय फोर पे सेम यही इसी तरह माइनस वन लिखेंगे इस चीज को हम लोग कहेंगे डिवाइडेड इसको किस पे डिवाइड कर देंगे वन बाय फोर पे इसी तरह वन बाय टू इस लाइन ये जो लाइन है ये डिवाइड हो रहे हैं तो ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना डिवाइड और इसको किस पे डिवाइड करेंगे वन बाय फोर के और क्या होगा जब डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं ना मल्टीप्लीकेशन में जब डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो जो नेक्स्ट जो वैल्यूज दी होती है वो चेंज हो जाती है यानी जो अगर नीचे है जो वो वैल्यू ऊपर चली जाएगी जैसे जब टू है तो इस डिवाइड को जब मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो फोर ऊपर चला जाएगा और वन नीचे आ जाएगा इसी तरह ये माइनस थ्री बाय फोर है जब इस डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो फोर ऊपर चला जाएगा और वन नीचे आ जाएगा इसी तरह माइनस वन इस डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट किया तो फोर ऊपर वन नीचे आ जाएगा ये वन बाई टू इस डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट किया तो फोर ऊपर और वन नीचे आ जाएगा अब ये देखें वन नीचे ना ये टू को जब फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास एट आ जाएगा वन नीचे आ रहा है वन लिखे या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता इसी तरह ये फोर और ये फोर कैंसिल आउट हो ओके वन हो जाएगा जब इस वन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री और ये जब वन वन से मल्टीप्लाई होगा वन और जो वन नीचे आ रहा हो उसे लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता इसी तरह इस वन को जब फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर और ये टू वन झा टू और टू टू झा फोर टू को जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा टू आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा डी का इनवर्स इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन थ्री के तमाम पार्ट्स और हो चुके हैं अगर आपको किसी भी पार्ट्स की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू अल्लाह हाफिज